इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुंबई में कड़ी सुरक्षा के बीच में मुंबई के दहिसर ईस्ट स्थित शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे के कार्यालय के बाहर एक अज्ञात कार मिली है जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक पाया गया है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, वाहन को कब्जे पर कर लिया है। आपको बता दें कि सुबह यानी 15 अगस्त के दिन भारी तादाद में यहां पर लोग उपस्थित होने वाले थे और यहां पर बड़े पैमाने पर 15 अगस्त का उत्सव मनाने जाने वाला था इसी कार्यालय के ठीक बाहर। लेकिन आज चूंकि यह टाटा सुमो कार मिली है तो बड़े स्तर पर यह विस्फोट हो सकता था ऐसा बताया जा रहा है। सुनिए इस पर विधायक प्रकाश सुर्वे ने क्या कुछ जानकारी दी। नुसती अज्ञात गाड़ी सापडली असते तर काही प्रश्न नव्हता, पण त्या गाडीमध्ये ती गाडी पूर्णपणे स्फोटकांनी भरलेली आहे। त्या 15 ऑगस्टचा भारत स्वतंत्र दिवस आहे आणि त्या दिवसानिमित्त माझ्या ऑफिसच्या तिथे झेंडावंदन होतं, त्याच्यामध्ये सिनियर सिटिझन फार मोठ्या प्रमाणात होतात, विद्यार्थी वर्ग फार मोठ्या प्रमाणात होतो, 300-300 माणसं तिथे असतात आणि अशा वेळी तर आज स्फोट घडला असता तर शेकडो लोकांचे जीव गेले असतात। चौकशी व्हावी अशी